अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको ब्लॉकिंग के बारे में बताएंगे। पहले इससे एक वीडियो तैयार की गई थी, उसमें 12 ब्लॉक्स हमने बताए थे आपको। अब उन ब्लॉक्स को यूटिलाइज कैसे करना है, उनके ज़रिए से हम ब्लॉकिंग कैसे सीख सकते हैं, वो छोटे छोटे स्टेप्स की सूरत में हम आपको सेट की सूरत में ये सिखाएंगे। पहले हम सिंपल ब्लॉक्स करते हैं कि सिंपल ब्लॉक कैसे करेंगे। 1, 2, 3, 4 ये सिंपल ब्लॉक्स हैं। अब इन्हीं ब्लॉक्स को हम अपोजिट तरीके से करेंगे, अपोजिट मुखालिफ हैंड से। 1, 2, 3, 4 इसके बाद वन हैंड, एक हाथ से हम ये यही जो सेट है ये किस तरह ब्लॉक करेंगे। 1, 2, 3, 4 अब इसके बाद फोर स्टेप को हम सेट बनाएंगे, उसको हम ब्लॉक करेंगे। 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 अब इसको भी अपोजिट ब्लॉक में करेंगे। 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 स्टॉप। 1, 2, 3, 4 ये सिंपल ब्लॉक्स हैं। अब इन्हीं ब्लॉक्स को हम अपोजिट तरीके से करेंगे, अपोजिट मुखालिफ हैंड से। 1, 2, 3, 4 इसके बाद वन हैंड, एक हाथ से हम ये यही जो सेट है ये किस तरह ब्लॉक करेंगे। 1, 2, 3, 4 अब इसके बाद फोर स्टेप को हम सेट बनाएंगे, उसको हम ब्लॉक करेंगे। 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 अब इसको भी अपोजिट ब्लॉक में करेंगे। 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 अस्सलामुअलैकुम। बात सेल्फ डिफेंस की हो या कराटे रिंग फाइट की, दोनों ही सूरत में बॉडी का स्ट्रांग होना जो है वो ज़रूरी होता है। एक बात जहन में रखें कि दुनिया का कोई भी इंसान चाहे कितना ही स्ट्रांग हार्ड क्यों ना हो, वो लकड़ी या लोहे से ज़्यादा हार्ड नहीं हो सकता। जिस्म के वो हिस्से जो आपको दिफा करने में काम आते हैं या जवाबी हमला करने में इस्तेमाल होते हैं, उनको सख्त करना लाजमी होता है। और ये आप किस तरह करेंगे ये हम आपको सिखाएंगे, ठीक है, फॉलो कीजिएगा। हाथ का ये हिस्सा, इसे हम अगर अटैक में लाना चाहते हैं तो किस तरह से अटैक करेंगे, ठीक है। अब इसको सख्त करने के लिए, प्रैक्टिस में लाने के लिए हम इसको प्रैक्टिस करेंगे इस तरह। ये जो चीज़ है ब्लॉकिंग के लिए, अगर आप इसकी दरख्त से प्रैक्टिस करते हैं तो जितनी मर्जी पावरफुल किक हो आप उसको इजीली आप रोक सकेंगे, ठीक है। और ये हिस्सा है हाथ के, इस हिस्से को इस्तेमाल करके आप दुश्मन पे अटैक कर सकते हैं, उसको जेर कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप इसको ब्लॉकिंग के लिए भी कर सकते हैं, कैप्चर करने के लिए। आपको वुडन डमी की ज़रूरत नहीं है अगर आप दरख्त पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका स्टार्ट जो है बिल्कुल आप आहिस्ता से करें, जीरो स्पीड से करें, और इसको डेली रूटीन में आपने ये करना है। ये प्रैक्टिस जो आपको बताई है इसे करें, इससे आपका जो डिफेंस है वो स्ट्रांग होगा, आपका अटैक स्ट्रांग होगा, आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, आपका कौन। बस दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप अपर बॉडी की जो ब्लॉकिंग है वो बताती हैं, लोअर हिस्सा है जो बॉडी का उसमें ना तो आप कोई किक्स ब्लॉक बता रहे हैं ना कोई प्रॉपर ब्लॉकिंग बता रहे हैं। तो इस हवाले से ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें लोअर किक्स लोअर बॉडी में जो आती हैं वो आपको आज बताते हैं कि उनकी ब्लॉकिंग यूनिक तरीके से कैसे करती हैं, पाकिस्तो स्टाइल में हम इसको किस तरह से ब्लॉक करेंगे। वॉच कीजिएगा जी, ब्लॉकिंग में आपने पैर को इस साधन से यूज करना है, ये वाला हिस्सा जो है यही किक, लोअर किक जो है इसे स्टिक भी कहते हैं आम फैन में मार्शल आर्ट्स की दुनिया में। इसको हम एक और तरीके से करेंगे, ठीक।
साइड से देखिएगा, स्टॉप। इस ब्लॉकिंग में आपने पाउंड को इस एंगल से यूज करना, ये हिस्सा इस एंगल से चेंज। अब एक और तरीके से यही ब्लॉक आपको तीन तरह के तरीकों से आपको करवाएंगे, किक 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 चेंज। ओके जी, इस ब्लॉकिंग में आपने पाउंड को इस तरीके से यूज करना है, ये वाला हिस्सा जो है किक किक।